hello students today we are here with the topic respiration till now we studied photosynthesis in which we saw that the 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water combines together to form a complex organic substance which is glucose 6 c6 h12 o6 and सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड सो दिस वी सॉ इन द फोटो सिंथेसिस नाउ द रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू द फोटो सिंथेसिस इट इज द डिसिमिलेटरी प्रोसेस फोटो सिंथेसिस वॉज द एसिमिलेटरी प्रोसेस क्यों क्योंकि दो सिंपलर कंपाउंड कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे थे बट इट इज but in this respiration the dissimulation is going on glucose is breaking down into carbon dioxide and water just oppo opposite to that of photosynthesis so what is respiration so respiration is an energy yielding dissimulation process and the phenomena

एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल में जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं एटीपी एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है और एस पर रिक्वायरमेंट यूज होती है सो so अगर मैं समराइज करूं व्हाट इज रेस्पिरेशन सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज यूजली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमोसफियर एंड carbon dioxide is usually evolved and organic matter is broken down into the lower compound or the lower inorganic substances it is ox uh, respiration is also the oxidative release of energy the huge amount of energy is released सो रेस्परेशन यू कैन से रेस्परेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर सो नाव वी विल सी हाउ द ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इन टू कार्बन डाईऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इन टू वाटर तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है जैसे कि फोटो सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन थी यहाँ पर जो फ्री एनर्जी होती है Uh, उसमें हीट जो एनर्जी निकलती है वो सिक्स सेवेंटी थ्री किलो कैलोरी होती है एरोबिक के केस में ठीक है सो लेट अस सी हाउ द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस सो व्हाई आई एम यूजिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन टर्म हियर वी आर नॉट कंसर्न विद द रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी Um, the lungs and at all uh, the respiratory system and all. Here we are uh, concerned how the glucose is breaking down and how the energy is releasing. So we are concerned here with cellular respiration. So as I told you, the <laughs> glucose is broken down into the simpler compound and energy is released. So glucose. का ब्रेकडाउन जो है कैसे होता है सेल में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पाइरोविक एसिड या फिर पाइरोवेट में ओके okay. ब्रेकडाउन होता है पाइरोविक एसिड या फिर पाइरोवेट में आप यहां से देखिए ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पाइरोवेट एंड द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ़ ग्लूकोज इंटू पायरोविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस ठीक है सो द ग्लाइकोलिसिस और द ई एम पी पाथवे टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल आपको मालूम है आपने फूड लिया फ़ूड लेने के बाद अगर हम आ, अपनी बात कर रहे हैं तो हमने फूड ले लेने के बाद डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो है वो एसीमुलेट होकर बॉडी टिश्यूज़ में पहुंच जाता है फिर अब हमें रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज जो है वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है और सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में हम देखेंगे कैसे ग्लाइकोलिसिस होती है अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ पायरुविक एसिड के फिर दो फेट हो सकते हैं दो पाथवे हो सकते हैं एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में सो इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन पाथवे विल पाथवे और द रेस्पिरेशन विल बी एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन फाइन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा एरोबिक अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा एन एरोबिक ठीक है तो पायरुबिक एसिड दो तरह की साइकिल में एंटर कर सकता है एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एनारोबिक क्या होता है व्हेन ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट तो यूजुअली वी द हायर एनिमल्स आ, रेस्पिरेट थ्रू एरोबिकली आपको मालूम है आपको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सो so, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पायरुबिक एसिड जो है वो माइटोकोन्ड्रिया में एंटर कर जाता है और माइटोकोंड्रिया में पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर और एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम जिस साइकिल के थ्रू होता है दैट इज़ नोन एज क्रैप साइकिल वी विल सी लेटर ऑन और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है जैसे कि इनफ्यूबैक्टीरियाज इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल रेस्पिरेट बट हाउ दे विल कन्वर्ट पायरोविक एसिड इन टू द सिंपलर कंपाउंड दे विल डू फर्मनटेशन एंड फर्मनटेशन के बाद इधर दे कैन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड और इथेनॉल ठीक है मैं एक बार फिर से सम सम्द, समराइज कर रही हूँ कि क्या हो सकता है पायरोविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एरोबिक एनिमल्स या एरोबिक ऑर्गैनिज्म हैं तो पायर्विक एसिड कन्वर्ट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और क्रेप साइकिल के थ्रू ऑक्सीजन इवॉल्व होगी और क्रेप साइकिल में ही ऑक्सीजन का इंटेक uh, होगा आप देख रहे हो क्योंकि ये वाली जो साइकिल है जो हम ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं involvement नहीं है तो ऑर्गेनिज्म चाहे एरोबिक हो, चाहे एनओरोबिक हो, दोनों के केस में ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ लेते हैं कि आप ऐसी साइकिल को डिफाइन करिए जो एनोरोबिक एरोबिक दोनों में होती है तो दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन ग्लाइकोलिसिस अगर हम एरोबिक के केस की बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें साइकिल भी बतानी होगी क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइकिल होती है अगर हम एनरोबिक केस की बात कर रहे हैं तो फिर सिंपल पायरोबिक एसिड ब्रेकडाउन होकर फर्मेंटेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल फॉर्म करता है ठीक है चलिए तो हम स्टेप अप करते हैं ग्लाइकोलिसिस की तरफ सो so, here we are with the glycolysis here you can see how the glucose is broken down how the glucose is broken down into pyruvic acid so the glycolysis takes place in the series of reaction so step by step we have to see okay सो इन द फर्स्ट स्टेप ग्ला ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन रहा है तो हमें एक फ़ॉस्फेट की ज़रूरत है और ये फॉस्फेट कहाँ से आता है ए टी पी ए डी पी में कन्वर्ट होता है और एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ होता है और ये फॉसफेट ग्लूकोज एक्सेप्ट कर लेता है और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है then glucose 6 phosphate converts into fructose 6 phosphate you know glucose and fructose are the isomers so nothing is happening uh, in this step only the isomerism is taking place so the enzyme is isomerase in the next step fructose 6 phosphate converts into fructose 1 6 diphosphate again we are seeing the phosphate was present uh, at the 6 carbon and now the fructose 1-6 diphosphate means one more phosphate is needed and where it comes from it comes from the conversion of atp into adp or yhansyphosphatimilta or fructose 1-6 diphosphate may convert to jata hai. in the next step the fructose 1-6 diphosphate is broken down इन टू द स्मॉलर कंपाउंड विच इज थ्री फॉस्फो ग्लिसहाइड अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेड और ग्लूकोज कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इट इज सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड राइट फ्रैक्टोज सिक्स कार्बन ग्लिसरेलडिहाइड हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल डिहाइड ये सारे के सारे तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं सो इट इज थ्री कार्बन ठीक अब छः कार्बन से तीन कार्बन पर आ रहे हैं तो उसका मतलब अगर इसका एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का तो तीन कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स ओके तो टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म <coughs> होते हैं तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के दो तरह के तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वन इज थ्री फोस्फो डिहाइड एंड अदर इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दीज बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड सून द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट गेट कन्वर्ट्स इन टू थ्री फॉसफो डिहाइड ठीक तो फ्रक्टोज वन सिक्स से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोगल्डीहाइट फॉर्म हो जाते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप थ्री फॉस्फोगी कन्वर्ट्स इन टू वन थ्री डाई फॉसफोगी अगेन वन फॉसफेट इड नीडेड और इस स्टेप पर आपको याद रखना है क्योंकि यहीं गलती हो जाती है हम सोचते हैं एक एक, फॉस्फेट की जरूरत है तो अगेन एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी बट नो द फॉस्फेट इज कमिंग फ्रॉम एच थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एसिड्स यहाँ पर आता है और फिर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वन थ्री डाई फॉर्म हो जाते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप वन थ्री डाई कन्वर्ट इनटू टू वन थ्री डाई एसिड एल्डिहाइड से एसिड का कन्वर्जन अब आपको फिर से वही सी से सी ठीक तो इस कन्वर्जन के लिए आप बताइए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर या रिडक्शन हो रहा है पहली बात तो आपको ये बतानी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है ठीक और वन थ्री डाईफॉसफोगल कन्वर्ट होता है वन थ्री डाई एसिड में तो इस कन्वर्जन के लिए एन ए डी एन ए डी एच टू में एन ए डी टू एच में या एन ए डी एच में कन्वर्ट होता है और वन थ्री डाई ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक इन द नेक्स्ट स्टेप वन थ्री डाईफॉसफोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स इन टू थ्री फॉस्फोग्लिजरल डिहाइड अब आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ फॉस्फेट एट एक कम हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर दो फॉस्फेट थे और यहाँ पर एक ही फॉस्फेट है तो इस स्टेप पे क्या होगा ए डी में कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन मॉलिक्यूल्स दो हैं इसलिए ए के भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे और ए के भी दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे इन द नेक्स्ट स्टेप थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स इंटू टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कुछ भी नहीं है सिर्फ फॉस्फेट की पोजिशन चेंज हो रही है उसके बाद टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट्स इंटू टू फॉसफो इनॉल एसिड पी ई पी फॉसफो इनॉल एसिड ठीक है और इस स्टेप में दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं टू फॉस्फो इनॉल पायरोविक एसिड इज़ नाउ कन्वर्ट्स इन टू पायरोविक एसिड विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस और यहाँ पर फिर से एक फॉस्फेट रिलीज़ हो रहा है क्योंकि टू फॉस्फो इनॉल से सिर्फ पायरोविक एसिड बन रहा है तो फिर ए टी ए डी पी जो है वो ए टी पी में कन्वर्ट हो जाएंगे बट टू मॉलिक्यूल्स बिकॉज वी आर हैविंग टू मॉलिक्यूल्स सो

यहाँ पर लगा एक मॉलिक्यूल एटीपी का यहाँ पर लगा लगा मैं माइनस में लिख रही हूँ ठीक है यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एटीपी के मिले इस स्टेप पर भी दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिले और टू मॉलिक्यूल्स एन एच के मिले ठीक है तो अगर मैं पूछती हूँ कि इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी हमें मिले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें मिले कितने दो इधर दो इधर चार और हमने खर्च कितने किए एक इधर और एक इधर दो सो वी गॉट टू एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस एंड टू एन ए डी एच एंड टू ए टी पी तो ग्लाइकोलिसिस में हमें यहाँ मिली टू एन ई डी एच और टू ए टी पी सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस सिंपल है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है देख के कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट आप एक बार प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि कहाँ एन ए डी लग रहा है और कहाँ पर ए टी पी लग रहा है सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में देन फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट देन फ्रैक्टोज वन सिक्स डाय फॉस्फेट देन पी जी ए फॉस्फोगलिसरिक एसिड देन वन थ्री पी जी ए वन थ्री डाई फॉस्फोगलिसरिक एसिड देन वन थ्री डाई फोगलिसरिक एसिड के बाद थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देन टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड द टू फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड लास्ट में पायरोविक एसिड ठीक है तो पायरोविक एसिड हमारा एंड प्रोडक्ट है हमें दो एटीपी मिले और दो एन मिले ग्लाइकोलिसिस में अब यहाँ से पाइरोविक एसिड के दो फेट हो सकते हैं अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो पाइरोविक एसिड एंटर करेगा क्रेब साइकिल में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पाइरोविक एसिड क्रेब साइकिल में क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर पाएगा बल्कि ये सिंपल फर्मेंटेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल फॉर्म करेगा ठीक है बट जो ग्लाइकोलिसिस है वो कॉमन है चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या एन एरोबिक हो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है इट इज इट द ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओके सो होप यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड ग्लाइकोलिसिसटर ऑन वी विल सी हाउ द पायरोविक acid is converting into carbon dioxide or how the pyruvic acid is able to release carbon dioxide and how the aerobic respiration taking place so till then take care thank you